सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दूसरे दिन कादीपुर विधानसभा में आयोजित कई चौपालों को संबोधित किया, साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने यहाँ दोस्तपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया और नोनरा गांव स्थित प्राइमरी पाठशाला में कक्षा 5 के बच्चों से बातचीत भी की। सांसद के मीडिया प्रभारी विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि मेनका गांधी सोमवार को खादीपुर विधानसभा की बरवारीपुर, सरैया, गंगापुर, भुलिया, कटसारी, दोस्तपुर, पलिया, देवापुर, मुड़िला, मंगरावा, पाकड़पुर, थारूपुर, करौंदी कला बाजार, नारायणपुर, बांगर समेत डेढ़ दर्जन जन चौपालों को संबोधित करते हुए जन शिकायतों का निस्तारण किया। इस मौके पर मेनका गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सुल्तानपुर के लोगों में उनका दिल बसता है। साथ ही लोगों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि वो इस इलाके की सिर्फ सांसद नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों से उनका दिल का रिश्ता है। एक माँ के तौर पर वो इस इलाके का विकास करने आई है। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो राजनीति गरीबों, वंचितों और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए करती है। विधवा पेंशन ना आए, कोटेदार कम राशन देता हो, पट्टा मिल गया पर ताकतवर लोग कब्जा नहीं दे रहे हो, आपकी पेंशन ना बन रही हो, इन सभी के लिए लोगों को इनकी जरूरत होती है। इसके अलावा मेनका ने कहा कि वो पूरी दिलचस्पी के साथ लोगों की मदद करती हैं। उनका ध्येय लोगों की जिंदगी आसान करना है, वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती। बता दें कि करौंदी कला बाजार में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के MLC प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह भी मेनका गांधी के जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए।